नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स आर। चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल 2021 के 44वें मैच में सनराइजर्स हैदराबाद को 6 विकेट से हराकर प्लेऑफ में जगह पक्की की। वो इस सीजन में प्लेऑफ में पहुंचने वाली पहली टीम है। महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाले सीएसके के लिए यह जीत इसलिए भी खास रही क्योंकि पिछले सीजन में सीएसके प्लेऑफ में नहीं पहुंची थी। टीम 14 में से 16 मैच जीतकर पॉइंट्स टेबल में 7वें स्थान पर रही थी। यह पहला मौका था जब सीएसके आईपीएल के प्लेऑफ में नहीं पहुंची थी। तब धोनी और उनकी टीम की आलोचना हुई थी। उस समय धोनी ने कहा था कि हम जोरदार वापसी की कोशिश करेंगे और सीजन में उनकी टीम ने वैसा कर दिखाया। पिछले सीजन में फिसड्डी रहने वाली टीम आखिर कैसे इस सीजन में शानदार प्रदर्शन कर रही है, टीम की सफलता की वजह क्या है, आइए आपको बताते हैं। आईपीएल 2021 में सीएसके के बेहतर प्रदर्शन की बड़ी वजह टीम की ओपनिंग जोड़ी है। फाफ डुप्लेसिस और ऋतुराज गायकवाड़ ने इस सीजन में शानदार बल्लेबाजी की है। दोनों इस सीजन में सबसे अधिक रन बनाने वाले टॉप 5 बल्लेबाजों में शामिल हैं। डुप्लेसी ने 11 मैच में 50 से ज़्यादा के औसत से 435 रन बनाए हैं। वे 11 में से 4 मैच में अर्धशतक लगाने में सफल रहे हैं। दूसरी ओर ऋतुराज का बल्ला भी जमकर बोला है। उन्होंने आईपीएल 2021 में अब तक खेले 11 मैच में 407 रन बनाए हैं। उन्होंने इस दौरान 350 जड़ी है। इस सीजन में डुप्लेसी और गायकवाड़ की जोड़ी 2 बार पहले विकेट के लिए 100 से ज़्यादा रन और 4 बार 50 या उससे ज़्यादा रन की पार्टनरशिप की है। इस सीजन में दूसरे और 5वें विकेट के लिए भी सीएसके के बल्लेबाजों ने 100 रन से ज़्यादा की साझेदारी की है। यह इस बात का सबूत है कि टीम का मध्य क्रम भी अहम मौक़ों पर रन बना रहा है और यही टीम की जीत और हार के बीच बड़ा फर्क पैदा कर रहा है। डुप्लेसी और ऋतुराज के अलावा इस सीजन में मोइन अली ने 278, अंबायती रायडू ने 195 और रविंद्र जडेजा 179 रन बना चुके हैं। सुरेश रैना ने भी 11 मैच में 157 रन बनाए हैं। सीएसके के बल्लेबाजों ने सीजन में कुल 11 अर्धशतक लगाए हैं। आईपीएल 2021 में सीएसके की बल्लेबाजी के साथ साथ गेंदबाजी भी संतुलित नजर आ रही है। चेन्नई का कोई भी खिलाड़ी इस सीजन में सबसे अधिक विकेट लेने वाले टॉप 5 गेंदबाजों में शामिल नहीं है, लेकिन टीम पर इसका असर नहीं पड़ा है क्योंकि टीम के 9 गेंदबाज इस सीजन में कम से कम 1 विकेट लेने में सफल रहे हैं। यानी जब भी किसी भी गेंदबाज को खेलने का मौका मिल रहा है वो विकेट चटका रहा है। चेन्नई के 3 गेंदबाज शार्दुल ठाकुर, ड्वेन ब्रावो और दीपक चाहर ने 11-11 विकेट लिए हैं। इनके अलावा सैम करन ने 9 और रविंद्र जडेजा 8 विकेट लेने में सफल रहे हैं। किसी भी कप्तान के लिए इससे अच्छी बात नहीं हो सकती है कि उनका हर गेंदबाज किसी न किसी मैच में विकेट ले रहा है। सीएसके आईपीएल 2021 के सेकेंड हाफ में लगातार 4 मैच जीती है। इसकी वजह है कि यूएई लीग शुरू होने से 1 महीने पहले ही टीम यहां पहुंच गई थी और अभ्यास शुरू कर दिया था। इसी वजह से टीम को शारजहां अबू धाबी के माहौल और कंडीशंस के हिसाब से तालमेल बिठाने का ज़्यादा वक्त मिला और यही टीम के अब काम आ रहा है। महेंद्र सिंह धोनी ने आईपीएल के यूएई लीग में शानदार कप्तानी की है। उन्होंने 4 मैच में प्लेइंग 11 में बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं किया। कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ हुए मुकाबले को छोड़ दें जिसमें चोटिल होने की वजह से ड्वेन ब्रावो की जगह सैम करन खेले थे। प्लेइंग 11 लगभग 1 जैसा रहा है। यही वजह है कि खिलाड़ी खुलकर खेल पा रहे हैं। धोनी ने हर मैच में गेंदबाजों का अच्छा बदलाव किया। जब लगा कि विपक्षी बल्लेबाज तेज गेंदबाजों के खिलाफ रन बना रहे हैं तो वो फौरन स्पिनर को ले आए और अधिकतर मौक़ों पर उनका यह दांव काम कर गया और टीम लगातार 4 मैच जीतने में सफल रही। इस सीजन के पहले हाफ में भी चेन्नई का प्रदर्शन लाजवाब रहा था। ओपनिंग मैच में दिल्ली से मिली हार के बाद सीएसके ने लगातार 5 मैच जीते और दूसरे हाफ में भी टीम का ऐसा ही चमकदार खेल जारी है और टीम के चौथी बार चैंपियन बनने की उम्मीद जग गई है। तो चेन्नई सुपर किंग्स के इस प्रदर्शन पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए और खेल से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए स्पोर्ट्स आर।